पतो है थे सारा परमेश्वर माने डीको। अब दाप गया थे बैठा बैठा, थोड़ी देर हम सुन ले से होते। हालांकि सच्चाई तो आप भी है कि थाने गाना तो कम ही समझ में आसी, पर फिर भी थे डीको तो हो ही हो। मैं तो आज विसी साहब विराजमान है, जो विसी साहब ने एक बात करनो कि भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में आएडा, हाँ नाम ही को राजस्थान विश्वविद्यालय है, आपने राजस्थान को सब पुरानो विश्वविद्यालय है, इंग बावजूद ये राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी को डिपार्टमेंट को नहीं, यूं ज्यादा शर्मनाक बात और कोई को नहीं होवे। भाई अरविंद को घणो घणो धन्यवाद है, राजस्थानी भाषा खातर एक बार जेके के डिपार्टमेंट को नहीं बो अध्ययन केंद्र है, डिपार्टमेंट अलग हुआ अध्ययन केंद्र अलग हुआ। भाई अरविंद को घणो घणो धन्यवाद, जेके के में कार्यक्रम हो जब भी भाई अरविंद पहली बार आया, मैं पहला हूँ जानता हूँ, 2011 हूँ मेट मालवी नगर में सुधीर जी मेला ग्रह रहा करता, जब अरविंद भाई बड़सागर रहा करता, एक जात महासचिव बन गया, जब बाद में कार्यक्रम मान में बुलाया कि भाई थे आया, तो ए पूछो भाई साहब के बोलनो है मंच पे जाके, मगर यार नेता आदमी हो थार जी मां बा बोल दीजो, जब बट खड़े हो एक ही बात कही कि भाई ओ जोको भाषा खातर आंदोलन चला है, इन अंदर मैं के कर सकूं के कौन कर सकूं तो पतो को नहीं, पर कभी लट खान की बात हो जो मन बुला लिया मैं भाषा खातर लट खा लेस, और मन बड़ो प्राउड फील हो बात पर कि जब भी कभी भी कोई कार्यक्रम हो माने बुलाने की जरूरत कौन पड़ी, अरविंद भाई भी हमेशा आ गया, अभी हमेशा आपको साथ देने खातर हमेशा कंधों कंधों मिलाने खातर तैयार रहा। एक बात और कह दूं बाद में मैं छोड़ देसूं, आपका परमेश्वर महान नाला है। मन बड़ो अजीब लागे कि पूरे कार्यक्रम के अंदर आपा सबका नाम लेवा, मोटा मोटा नाम लेवा, अभी क्रांतिकारियों की बात चले, क्रांति की बात चले, आपा सब भगत सिंह रो नाम लेवा। भगत सिंह वो मानता कि क्रांतिकारी जीवन में बांका जगह आदर्श आ बांगो नाम सचिंदर सान्याल हो, पर सचिंदर सान्याल वो मानता कि क्रांतिकारी जीवन में बांका जगह आदर्श आ वे प्रताप सिंह बारठ आ, आ राजस्थान री धरती प्रताप सिंह बारठ ने भूलगी, यूं मोटी बात के हो सके। अभी आप बात करता कि आ मूर्ति लागनी चाहिए बा मूर्ति लागनी चाहिए, मने लागे सब पहली तो केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान आश्यारी मूर्ति लागनी चाहिए जाए, एक पूरो परिवार आजादी के आंदोलन में होम हो गयो और राजस्थान का लोग बांध जाना तक कोने। अभी रानी लक्ष्मीबाई की बात होती, बहुत बड़ा रानी लक्ष्मीबाई होया, सिरमोड़ है अपना, माथे पर बांधन आला है, पर मैं चाहूं कि कोई निम्बा हेड़ा के ताराचंद जाट ने भी जाने जगन 57 की क्रांति में फांसी लगा दी है, मैं चाहूं कि कोई पलोदड़ा मोइनुद्दीन ने भी जाने जगह 57 की क्रांति के अंदर आ, मैं चाहूं कि कोई आउआ के ठाकर कुशाल सिंह चांपावत ने जाने जो को अंग्रेजां दो युद्ध हराया और अंग्रेजां का मेक मिशन को सिर काट के आउआ के किले के माथे टांग के ला दियो अठे। मैं आजकल भाषा की बात कराया करूं जो कई बार लोग कहे कि भाषाओं के फर्क पड़े, मन अभी एक स्टूडेंट 2-3 दिन पहला देवनारायण जी की फट देके गयो कि सर देवनारायण जी की फट पढ़ जो मेरे समझ में कौनजारी थे बताई जो, मैं भी पढ़ने पढ़ो जो मन और लागो कि सही बात है यार, आपा राजस्थानी भाषा जानने वाला हाँ, बिंग बावजूद आपा इतनी कौन जान पाया कि देवनारायण जी महाराज की फड़ पढ़ सका तो बाकी लोग तो क्या पढ़ सकेगा। राजस्थान ओ चावे है कि बिंगा टाबरा ने कमो कम बिकी माँ बोली पढ़ने को मौको तो मिलना चाहिए, चेहरे बिना नी हुए धड़री कोई पिचाण, मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान, खाली नाम राजस्थान है, राजस्थान जगदिन बनेगो जगदिन राजस्थानी मान्यता मिलसी, राजस्थान जगदिन बनेगो जगदिन राजस्थानी फलसी फूलसी, आपनो टाबर 6-10 तक संस्कृत ले सके, पंजाबी ले सके, सिंधी ले सके, गुजराती ले सके, लेकिन राजस्थानी सब्जेक्ट कौन ले सके, यूं ज्यादा बुरो और किरे सागे कौन कर सका। धन्यवाद, आप सब बोलने रो मौको दियो, आप सब इंजॉय करो, खूब आगे बढ़ो।